आत्मज्ञानी देगे ज्ञान महातत्व दान करती है प्रभु। कारण भक्ति बिना ये तत्व को समझने के लिए इतना आसान नहीं। हरे गुरु के कृपा से ही ये महाज्ञान प्राप्त हो गया है। कौन ज्ञानी हो ज्ञान जन्म ही खलता ज्ञानी बड़े बड़े पंडित लोग हैं सारी वेद तो थोड़ा पुराण जानती है लेकिन ईश्वर को जानता नहीं। और लोग क्या करती है बड़े बड़े मूर्ति को पूजा करती है जाग यज्ञ करती है। और लोग विष की लड़ी जैसे है जैसे एक बिख को बिख में बिख लड़ी जैसे मोर देने से बिख को खत्म हो जाती है मर जाती है। इसी तरह ऐसे ज्ञानी पंडितों ने मानो आपने का मनुष्य को मन में ऐसे भाव सुखन कर कर विनाश कर देती है। आत्मज्ञानी नहीं ज्ञान महातत्व का था आत्मज्ञानी कौन आत्मज्ञानी है कृष्ण गुरु ईश्वर और ये आत्मा ज्ञान देती है। क्या जब बोलती है हम जाति नहीं बिरादरी नहीं जड़ नहीं हम सब कृष्ण का आत्मा है वही देती है आत्मा ज्ञान कृष्ण गुरु महाप्रभु ने। ज्ञानीरो ज्ञानो नखो परे आत्मज्ञाने ओ ज्ञानो दीप्ति प्रकाश होई महातत्व ज्ञाने ईश्वर तत्व ज्ञानी भक्ति करई विश्वखे मिलई भक्ति प्रेमसु ऐसे बड़े बड़े पंडित लोगों को जब कृष्ण प्रभु ईश्वर की पास में जा करके शरण लेती है नामदान लेती है ये ज्ञान का दीप्ति प्रकाश हो जाती है ज्ञान जलती है प्रकाशमान हो जाती है। और ईश्वर तत्व समझने के लिए उसको भक्ति कर सकती है। ईश्वर क्या का ईश्वर ईश्वर लोग ईश्वर कहते हैं सर्व व्यापक है लेकिन दिखाने वाला कुछ लोग है नहीं नहीं है। जैसे दूध से क्या निकलते हैं घी निकलती है माखन निकलते हैं हर एक चीज निकलती है दूध से निकलती है। और कह सकती है बनाने वाला तरीका और कौन जानते हैं जो तरीका जानते हैं और बनाने कर बना करके निकल देती है। तब तो पुरान पुरान गोदाम भवन सारी मूर्ति जीव में जो व्यापक रूप में है वही को कहलाते हैं ईश्वर वही ईश्वर है वही कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर है। वही ईश्वर को भक्ति भजन करके उन्हीं से नामदान लेकर के जीवन सफल करना मनुष्य के जरूरी होती है। जब मनुष्य होते हुए भी अगर ईश्वर को ना भक्ति भजन करे तब पशु जैसी होती है। अमृत बनी लिखे हुए हुए प्रभु ने पशु के जैसा कर्म मत करना मनुष्य होते हुए। इसीलिए प्रभु ने श्रीमद् भागवत हार सरल शब्दों से लिखे हुए हैं समझने के लिए ज्ञान पाप के लिए। सारी जीवों से सेठ होती है मनुष्य सेठ होते की नाते आज क्या किए हैं मनुष्य ने आदमी को मार देती है धर्षण कर देती है आदमी को मनुष्य होते हुए भी। इसीलिए कृष्ण गुरु प्रभु ने बोले है मनुष्य बन के ही जियो
मनुष्य शब्द बहुत कठिन है। ये मनुष्य धन बन करके तुम जीने सकेंगे और ईश्वर पाप ज्ञान पाओगे, तब तो इस दुनिया में सुख शांति से दिन बिताओगे। और ये भूल मत करना, प्रभु आए लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए ईश्वर कृष्ण गुरु आए हैं। इस समाचार ये करके हम लोग आई है आसाम से, गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु जी ने हमको भेजे हुए हैं। जाओ, ये बिहार के लोग पटीट है, लेकिन वो लोग बहुत कष्ट कर लोग करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत सरल है। कारण जब तक ईश्वर कृष्ण गुरु का प्रभु की नाम दान लेंगे, मनुष्य तन संभव हो जाएगी। ये संदेश लेकर के जाओ, सबको सुनाओ, पढ़ाओ। इसीलिए मैंने कोशिश किए हैं आप लोग को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, क्योंकि हम खास करके हिंदी भाषी है नहीं, हिंदी तो राष्ट्र भाषा है। हम असम का पूर्व दिखकर रहने वाला हूँ, आप लोग का कृपा से, ईश्वर की कृपा से आप लोगों के लिए मैंने ये संदेश लेकर के आया हूँ। और कृष्ण गुरु प्रेमानंद प्रभु ने भेजे हुए हैं, जैसे मेरे मनुष्य सब सुख और शांति जीने गाए। इसीलिए सरल शब्द सुभाषाओं से आसामी भाषा ने लिखे हुए है श्रीमद् भागवत हार। तीनी अक्षर को मिली हस्त को लिखी ओ गुरु राती बात को पाई जतन को प्रिंग मुझे प्रभु ने बोले हुए है, तीन आंखों लूंगे अक्षर ने लिखे हुए है शास्त्र। और ई का मतलब क्या होता है? प्रभु जो देह धारण करती है ये देह अनित्य है। अ का मतलब अनित्य, ये पंच बुद्धि देह अनित्य है। आ का मतलब होता है आत्मा, ये अनित्य देह में शरीर पर आत्मा रूप में है कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर। ये अनिंद्रिय, ये शरीर में जैसे पाव हाथ सुख नाक कान जो इंद्रिय, वही एक अवयव ले करके कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर इतना धर्म में अभिभाव हो करके जीवन श्रेष्ठ मनुष्य को ज्ञान दिलाने के लिए अपना मुख से जो लिखे हुए हैं, ओ ये श्रीमद् भागवत हार रूप लेकर के जगत से शास्त्र बन गई है। तीन आंखों की से और ई गुरु मुखे हुनी डुबो एही तत्त्व घरो ओ लुकाउ धरोर हेतु रसिलपाय कागमारो प्रथम स्कंधर दादो खोस्कंधर गुरु रखी पतो को युटा करिया तत्तक पुराण रम जा महा भागवत खा
जय कृष्ण गुरु देखिए प्रभु लोग कारण पहले हम लोग शिष्य थी ईश्वर चतुर्भुज रूप धारण करने वाला हम खर गा पद्मधारी सिर में सोने के मुकुट और गला में वनमाला पुष्प मणि हम लोग शिष्य थी लेकिन वही चतुर्भुज किसको कहते हैं आध्यात्मिक से चतुर्भुज जो ईश्वर की बात मीठी बात क्यों की कहती है मिदो मिठी बात हाँ देसे जैसे हम की आवाज सुनने से शांत हो जाती है इसी तरह गुरु की ही आवाज सुनने से शांत होती जाती है आनंद आती है शक्र शक्र किसको कहता है जिस गुरु से कृष्ण गुरु नाम दिए हैं वही नाम को शक्र कहती है गदा गदा किसको कहती है वाक्य इस वाक्य गदा होती है इसीलिए कुछ कृष्ण गुरु प्रभु ने बोले हैं और ये वाक्य को संयत करना कभी छोट मोट बात कभी बात नहीं बोलना ये शर है धनु में जैसे तीर लगा रहे आप तीर लगाता है धनु का जब तीर धनु से छूट जाएगी तो और फिर लुट करके नहीं आओगी और ये है सिर जैसा है ये वाक्य गदा जैसी है खत्म कर देंगी पद्मा पद्मा कीट को इसको कहती है कमाल को कमाल भक्ति भाव से दोनों हाथ जुड़ कर ना भक्ति भाव से कहना ये कमाल होती है इस गुण चतुर्भुज रूप धारणधारी कृष्ण गुरु प्रभु की रूप में है और ये है चतुर्भुजधारी लेकिन सतगुरु की ना होते ही कारण से ही लोग ये पिक्चर एक फोटो की पूजा करती है मूर्ति को पूजा करती है ये करने का क्या जरूरत है आज इतनी प्रजुक्ति विज्ञान में होते हुए भी लोग आप होते हुए भी क्यों तो हो गया ईश्वर सर्व व्यापक है अपना शरीर में भी वही प्रभु है सबको एकात्मा को देख करके भक्ति भाव से सेवा करो सबको सही शुद्ध भक्ति करो ईश्वर कहते हैं अगर तुम्हें हमको कोई गाली गलौज करेंगे ईश्वर को ही कहा जाती है अपने से आपको ही भक्ति भाव से नम्र होकर के बात करना जरूरी है कृष्ण गुरु प्रभु ने कहे हैं हम दो बातें आप लोग को
चंद्र लेकर के हम लोग सुनाए हैं, इसके पीछे हम लोग अभी एक नाम कीर्तन करेंगे। एक नाम कीर्तन आप लोग सुन सकेंगे। एक नाम देने वाला किसका गुरु प्रभु एकमात्र ईश्वर है कृष्ण गुरु। एक नाम देने वाला सदगुरु है, इसलिए मैंने आज की भागवत यहाँ पे हम समाप्त किए हैं।
Thank you.